व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ वो है आर्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल्स की वीडियो तो मैम ला चुकी, वो आर्टिकल राइटिंग था हमारा राइटिंग सेक्शन में, और आज हम लोग कर रहे हैं ग्रामर सेक्शन में आर्टिकल्स। ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी भी नाउन के पहले यूज होते हैं। सीनियर क्लासेस में हम इसे पढ़ते हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, और जबकि जूनियर क्लासेस में हम सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आज का थॉट। तो आज का थॉट ये अभी मैंने सडनली आप कह सकते हो डिस्कवर किया है। क्या है ये थॉट? समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी, येट वी हैव टू। बिल्कुल, जीवन में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ अनचाहा होता है, दैट वी डोंट डिजर्व, दैट वी डोंट डिजायर। मे बी वी डिजर्व, ये तो नहीं कह सकते कि हम डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि होता हमारे साथ वही है जिसके हम लायक होते हैं। हमें लगता है कि वी आर ग्रेट, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, कमियाँ होती हैं हमारे अंदर, और उनकी टाइम टू टाइम पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो वो पनिशमेंट कौन देगा? वो पनिशमेंट देते हैं हम सबके फादर, हम सबके क्रिएटर यानी लॉर्ड गॉड, ईश्वर हमें पनिशमेंट देते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि हमें हमारी गलतियों को का पता चलना चाहिए, एहसास होना चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें लगता है कि शायद हम डिज़र्व नहीं करते। डिज़ायर तो खैर करते ही नहीं है, चाहते ही नहीं, कोई नहीं चाहता उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ आए, लेकिन आती हैं क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है, या हमारी गलतियां होती हैं, या हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं जिन्हें दूर करना, जिन्हें सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर होगा जो भी है, जैसा भी है, उसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली उनका सल्यूशन भी है। ठीक है, तो हमें एक्सेप्ट करना होगा सबसे पहले जो कुछ भी है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको बेटर करने के लिए वर्क नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट इट एज इट इज, एंड देन द सेकंड स्टेप इज टू वर्क ऑन इट, कि आप अब आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर आपको आज का थॉट बहुत अच्छा लगा होगा। तो बारी है हमारे आज के न्यू वर्ड की। आज का न्यू वर्ड बड़ा अच्छा है, वर्ड है हमारा ओरेंडा। ओरेंडा, ओ आर ई एन डी ए, ओरेंडा। ओरेंडा क्या होता है? ओरेंडा होता है अ मिस्टिकल फोर्स प्रेजेंट इन ऑल। आपको याद होगा एक बार हम लोगों ने बात करी थी एक मैजिकल पावर की, एक थॉट दिया था मैंने। तो आज बात कर रहे हम लोग ओरेंडा की। ओरेंडा क्या होता है? वही मिस्टिकल, वही मैजिकल पावर जो हम सबके अंदर होता है। कहीं एक स्पार्क हमारे अंदर जरूर छुपा हुआ होता है, हमें सिर्फ ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसे अपने बाहर निकालने की। लेकिन उस पावर को, उस ताकत को हमें कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव वे में। अपना और ह्यूमैनिटी का भला करना है, ना कि किसी का नुकसान। ठीक है, तो इस न्यू वर्ड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, आज का टॉपिक जो कि है आर्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स हमारे होते हैं अ, एन और द। आप में से कुछ बच्चे या कुछ लोग कई बार इसको ए बोलते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोनंसिएशन के हिसाब से इसको ए ना बोलें, आप अ बोलें। अ, एन एंड द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ये आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउंस। ठीक है, आर्टिकल्स हमारे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास 3 in number होते हैं, अ, एन एंड द। इनको हम 2 categories में डिवाइड कर सकते हैं। अ और एन को हम इनडेफिनेट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, और द आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में। आई एम श्योर इतना समझा होगा आपने। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी अ और एन के यूज के बारे में। तो चलिए इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि हमारे हैं अ एंड एन, हम बात करते हैं सबसे पहले यूज ऑफ अ। हम सब जानते हैं बचपन में हम सब ने पढ़ा है किसी भी कॉन्सोनेंट के पहले हम अ का इस्तेमाल करते हैं और वॉवल्स के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है हमने। हर कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग अ का इस्तेमाल करते हैं और हर वॉवल्स से
शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले हम एम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा पता है हमें। और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने ले रखे हैं यहाँ पे। अ बॉय, आ का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए भी करते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए करते हैं, ऐसे नाउन के लिए करते हैं जो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और उसका साउंड कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट से बिगिन हो रहा है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट ही है। लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल, बॉय, एक लड़का है, तो हम उसको वन बॉय की जगह अ बॉय भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक हमारे पास एक्सप्रेशन भी है, वो क्या है, यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड यू। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका जो स्टार्टिंग होता है वो होता वॉवल है। देखिए जैसे कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इट इज बिगनिंग विद ई एंड यू विच आर वॉवल, ये कि वॉवल है, लेकिन जो इनका प्रोनंसिएशन साउंड है, प्रोनंसिएशन साउंड क्या है इनका, यू। और ये साउंड किससे बिगेन होता है, कॉन्सोनेंट से। जब कॉन्सोनेंट से बिगेन हो रहा है तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, आ। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ एन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं एन का यूज हम लोग वोवल वर्ड्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ वोवल साउंड। जैसे कि एग्जाम्पल है एन एग, हमारे पास एक एग है, एक ही एग है, ऑमलेट बना के हमें उसका खाना है, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव एन एग, क्योंकि ये वोवल अल्फाबेट और वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। ई हमारा वोवल है और इसका साउंड क्या होता है, ए, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट विद अ वोवल साउंड। अब इसका जो सेकेंड हमारा है वो वोवल साउंड होता है, लेकिन जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एच ओ यू आर आर, कुछ बच्चे यहाँ पे बोलते हावर, आवर, प्लीज, इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो यहाँ पे साउंड क्या निकलता है, आ, ये साउंड निकलता है। तो जब ये साउंड निकलता है तो हम इसके साथ लगाते हैं एन। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने लिया है ऑनेस्ट, ये अल्फाबेट तो है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो साउंड है वो क्या है, अ, ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों को फोनिक साउंड्स भी कराने की जरूरत है, तो मैं बहुत जल्दी एक और बहुत अच्छी एक फोनिक साउंड्स की वीडियो लाने वाली हूँ, आप लोग प्लीज उसे जरूर वॉच करिएगा, उससे हमारे प्रोनंसिएशन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एमपी, कैपिटल एम एंड कैपिटल पी, इट इज द एब्रिविएशन फॉर्म एमपी। तो ये स्टार्ट तो हो रहा है एम से जो कि है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जो साउंड है वो है ई एम पी ई ई, ये इसका साउंड है जो कि एम पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एन एम पी। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब मैं आपको ऑल टुगेदर बताती हूँ अ और एन के तीन चार यूजेस हैं, इनको ऑल टुगेदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, यूज ऑफ अ एंड एन। अ और एन का यूज कैसे होता है, टू इंडिकेट वन पर्सन और थिंग, मे बी यूज फॉर एनी थिंग और पर्सन। इसका इस्तेमाल हम लोग वन पर्सन या थिंग को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी थी अ बॉय, तो यहाँ पे आ गया अ पपी, अ पपी केम रनिंग टू मी, तो यहाँ पे अ पपी, क्योंकि एक पपी है तो हमने अ लगाया है, ओके। नाउ टू शो अ काइंड, अ क्लास और अ स्पीशीज, दूसरा हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक काइंड को दिखाने के लिए या कोई एक स्पेसिफिक क्लास को दिखाने के लिए।
ये आपने जब हमारी नाउन और नाउन के काइंड्स की वीडियो देखी थी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। वहां पे हमने कॉमन नाउन की बात करी थी। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी एक ऑल टुगेदर क्लास की या काइंड की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे कॉमन नाउन। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन के पहले भी अ का इस्तेमाल करते हैं। आई हेट अ बॉन्साई ट्री। क्यों? क्योंकि बॉन्साई ट्री देखने में तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल, बड़े प्रिटी से लगते हैं, बट सम इन सम और द अदर वे दे आर समटाइम्स वेरी हार्मफुल आल्सो। तो नेक्स्ट हमारा है टू शो अ सर्टेन क्वांटिटी। अभी आपने एडजेक्टिव्स की भी वीडियो देखी होगी और वहां पे हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करी थी। तो कुछ क्वांटिटी दिखाने के लिए भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल, देयर आर अ डजन बनाना, देयर आर अ डजन बनाना, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डजन के पहले क्या लगाया है? अ लगाया है। एक और यूज है हमारा टू शो प्रोफेशन, रैंक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन ऑफ अ पर्सन। तो कई बार किसी प्रोफेशन को, किसी रैंक को, किसी कास्ट को, कम्युनिटी को या रिलीजन को दिखाने के लिए, लेकिन किसी पर्सन की, आप ये याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हिंदू तो हम अ हिंदू नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूं आई एम अ हिंदू, ठीक है? या मैं कह सकती हूं शी इज अ हिंदू गर्ल, ठीक है? ऐसे मैं यूज कर सकती हूं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होल काइंड, अभी मैं आपको द का यूज बताऊंगी, तो वहां पे आपको मिलेगा कि किसी रिलीजन के पहले या कम्युनिटी के पहले हम द लगाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के रिलीजन, प्रोफेशन, कास्ट या कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी वेटिंग फॉर सम टाइम ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके। इमीडिएटली आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू मिनट्स, आप आराम से अपने नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा और वीडियो को जरूरत पड़े तो एक बार दो बार जरूर देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आपकी और सीनियर क्लासेस में आपको हेल्पफुल भी हो। ओके गाइज, जस्ट सी यू आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। वेल गाइज, आई एम श्योर आपने इतना नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ द के बारे में। तो हमें द का यूज कैसे करना है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड माय बोर्ड। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। लाइक ओके, लेट मी मूव दिस साइड। तो सबसे पहले तो द का यूज होता है किसी पर्टिक्युलर, बिल्कुल जब हमें डेफिनेट करना है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था अ और एन हमारे इनडेफिनेट होते हैं और द हमारा डेफिनेट होता है। तो जब भी हम डेफिनेट नाउन की बात करते हैं जिसे हमें बिल्कुल पर्टिक्युलराइज करना है, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी इज द गर्ल हुम आई मेट यस्टरडे। अब हुम क्या है? अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो हम लोगों ने उसमें बताया था, डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में, ऐसे प्रोनाउंस जो रिलेट करते हैं। तो हुम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, क्योंकि ये इस गर्ल को रिलेट कर रहा है किससे? उससे जिसको मैंने कल देखा था, ठीक है? तो यहाँ पे हम उस स्पेसिफिक, उस पर्टिक्युलर गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी भी एक ऑर्डिनरी गर्ल की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिक्युलर गर्ल हुम आई सॉ यस्टरडे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? द गर्ल, ठीक है? अब एडजेक्टिव्स के पहले यूज करते हैं जो किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक द रिच, द पुअर, द काइंड, ठीक? नेक्स्ट है बिफोर अ कॉमन नाउन। कभी कभी हम कॉमन नाउन के पहले भी यूज करते हैं, लेकिन तब जब वो कॉमन नाउन पूरी क्लास को डिफाइन करता है, ठीक है? तो जैसे कि द टाइगर इज अ क्रूअल एनिमल, द टाइगर इज अ क्रूअल एनिमल। तो टाइगर कैसा है? एक क्रूअल एनिमल है। तो यहाँ पे टाइगर के साथ हम द लगाएंगे। इसी तरह से एडजेक्टिव्स के पहले जब वो किसी क्वालिटी को शो करते हैं, लाइक
द ब्यूटी ऑफ फ्लावर. ब्यूटी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्वालिटी को शो कर रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, द ब्यूटी ऑफ फ्लावर. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के पास, यानी आपने पढ़ा भी है, एडजेक्टिव्स की वीडियो हमारी देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताया है, तो वहां पे आपको बताया था मैंने 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा द का यूज होता है. इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू. नेक्स्ट है टू शो अ यूनिट ऑफ मेजर. मेजरमेंट की यूनिट्स शो करने के लिए भी हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं. लाइक एग्स आर सोल्ड बाय द डजन. एग्स को हम किस में सोल्ड करते हैं, डजन में सेल करते हैं. विद डायरेक्शंस आल्सो एंड कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक, यानी डायरेक्शंस के साथ, जैसे आपने हमेशा पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम ईस्ट के पहले, वेस्ट के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. ठीक है, आई एम श्योर इतने आपको समझ में आए होंगे, तो मैं आपको आगे के बताती हूँ. बिफोर द नेम्स ऑफ, अब इनके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल होता है, जो यूनिक होती है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, किसी यूनिक थिंग जैसे द सन, द मून, द अर्थ. ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, ज्योग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स में आपके रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, इनके नाम आ जाते हैं, जैसे कि द गैंजेस, ठीक है, द हिमालयाज, और होली या ग्रेट बुक्स, जो होली बुक्स होती हैं किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन की, उनके साथ भी हम द लगाते हैं, जैसे कि द गीता, द बाइबल. ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, इनके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द ताज एक्सप्रेस. वेल नोन बिल्डिंग्स जैसे कि द ताज महल. कंट्रीज के नाम के आगे इफ द कंटेन्स अ कॉमन नाउन, जैसे कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं. अब ये मत कर दीजिएगा द इंडिया नहीं होता है, जो ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक स्टेट्स होते हैं तो उनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं. डायरेक्शंस के साथ हम द लगाते हैं और होल फैमिलीज के साथ हम द लगाते हैं. तो आई एम श्योर इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसे नोट करना चाहेंगे. अगेन आई एम गिविंग यू अ लिटिल टाइम, आप इसे नोट करिए. इमीडिएटली आई विल बी गेटिंग बैक टू यू. ओके गाइज.